जयपुर का स्पेशल पुआ खा रहे So guys, वहां से अब हम आ गए सीधे बीच स्टेशन पे, जो जेम्स अंकल ने बताया था उसको फॉलो करते हुए, और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी दो तीन जगह बताई हुई है। चलते हैं बीच वॉक पे और वो जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। एक जो स्काई वॉक भी बताया था उन्होंने, जो यहाँ पे फ्री है, एक यहाँ पे बीचे सेटल भी चलती है। अगर आप लोग बस में बैठ के बीचेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बीच सेटल भी यूज़ कर सकते हो। गो कार्टिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हो, एज़ यू कैन सी। अगर आप केबल कार से आते हो तो केबल कार आपको यहाँ पे छोड़ेगी सामने। सो गाइस, ये है यहाँ के बीचेस। तो ये है भाई सेंटोसा आइलैंड का बीच। बहुत धूप है भाई, सनस्क्रीन लगाना भूल गया हूँ, आज तो पूरा टैंडी हो जाऊँगा। थोड़ी रेत है इसलिए चला नहीं जा रहा है उसी से। सो गाइस, सेंटोसा के बीच तो काफ़ी हैपनिंग लग रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है ना, हर जगह बीचेस में यहाँ पे ऐसे रेस्ट रूम सा बनाया हुआ है, पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं, देखो कूलर भी लगा हुआ है बिल्कुल एकदम माहौल ठंडा रखने के लिए। सो गाइस, आई जस्ट यूज यहाँ का वॉशरूम, तो बहुत ही साफ बनाया हुआ है। इंडियन और इंग्लिश दोनों स्टाइल के टॉयलेट्स हैं, और पीने का पानी के लिए वहाँ पे टैप भी दिया हुआ है, भर सकते हो बोतल चाहो तो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग यार। तो बस अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, वो जो जेम्स अंकल ने बताया था एक स्काई वॉक और एक फोर्ट है आगे, तो वो एक बार देखने चलते हैं कितना दूर है। टाइम तो अपने पास बहुत है, तो उसके बाद फिर वो अपना लाइट शो देखने चलेंगे। सो गाइस, ये था यहाँ का फेमस बीच सेलोसो, और वो जो जेम्स अंकल ने बताया था ना यहाँ पे स्काई वॉक करके फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो अभी मैं उसमें जा रहा हूँ। लेट्स सी, यहाँ से थोड़ा सा बगल में ये दिख तो गया मुझे, तो एंट्री का सीन देखकर देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखते हैं भाई फोर्ट भी है थोड़ा सा आगे। लेट्स सी। सो गाइस, आई जस्ट कंफर्म हियर कि ये जो स्काई वॉक है फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस स्काई वॉक जैसे आप क्रॉस करते हो ब्रिज को, वहाँ पे फोर्ट भी मिलेगा आपको। तो दोनों जगह हम चलते हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप सेलोसो बीच तक आ रहे हो तो स्काई वॉक भी ज़रूर ट्राई करना। तो अभी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सो गाइस, दिस इज़ द स्काई वॉक, जो कि यहाँ से व्यू बड़ा अमेजिंग लग रहा है, एक नंबर यार। तो भाई लोग ये देख लो, टॉप व्यू सेंटोसा बीच का, और ये देखो केबल कार जिसके थ्रू वहाँ से, अगर आप केबल कार से आना चाहते हो तो केबल कार से भी आ सकते हो। नाइस, और सारे शिप्स दिख रहे हैं बड़े बड़े खतरनाक एकदम कार्गो शिप्स। तो चलो चलते हैं स्काई वॉक में, आगे बढ़ते हैं और आगे फोर्ट देख के आते हैं यहाँ का। सो बेसिकली यही है स्काई वॉक, मुझे लगा था कि कांच का होगा नीचे, बट थोड़ा सा कांच का नहीं है। सो एनीवे, जो भी है बढ़िया, यहाँ से व्यू एक नंबर आ रहा है एकदम मस्त, पूरा सिंगापुर आधा जितना भी दिख रहा है, वो मज़ा आ रहा है। मतलब अच्छी जगह है घूमने के लिए और व्यू तो बहुत अच्छा ही है। चलो अब फोर्ट भी जाके देख लेते हैं, फोर्ट की क्या हिस्ट्री है भाई। सो भाई, ये फोर्ट की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, 1879 में बना हुआ था। बाकी डिटेल हिस्ट्री के लिए यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा, पॉज करके देख लेना। लोग एक अच्छी चीज़ और करी हुई है ना, फिर हमने जगह जगह पे म्यूज़िक लगाया हुआ है, और वो बैकग्राउंड में फील दिया हुआ है जैसे कि उस टाइम पे पुरानी मूवीज में नहीं होता ऐसे आवाज़ आ रही है। म्यूजिक भी गन्स वगैरह लगाई हुई हैं पहले के ज़माने की, सारी देख लो। गाइस, अगर आप लोग सिंगापुर की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर यहाँ आना। अंदर बहुत अच्छा तरीके से वीडियोस भी चलाई हुई हैं और फोटोज़ वगैरह लगाई हैं, हिस्ट्री बताई है जब यहाँ पे वॉर हुई थी तो कैसा हुआ था। तो बेस्ट पार्ट, अंदर एसी चल रहा है एकदम तगड़ा, तो मैं तो एसी की ठंड में बैठ गया था, मस्त मज़ा आ गया था। और अभी यहाँ से थोड़ा और आगे निकलते हैं, क्या है पता नहीं आगे। लेट्स सी, लेट्स थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस लौट जाएंगे अपना। So,
मस्त एसी चल रहा है। तो भाई यहाँ पर बॉर्डर बनाया था उस ज़माने में, और ये सामने तोप जो है उसमें यूज़ किया जाता था उसके गोलों में, खतरनाक। मैंने मेरे खाता हूँ यहाँ से उस टाइप से, ये सामने तो भाई लोग इस तरह से यहाँ हमने फोर्ट पूरा घूम लिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है अपनी हिस्ट्री का, और बेस्ट पार्ट की हर जगह अंदर एसी लगा हुआ है बढ़िया एकदम चकाचक। और अभी चलते हैं यहाँ से वापस, थोड़ा बीचेस में बैठते हैं कहीं पर शेक वगैरह में और कुछ खा पी लेते हैं, बहुत देर हो गई है चलते चलते, और फिर उसके बाद अपना लाइट शो देखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है यार, मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ आने में घूमने में, बट बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है। एनीवे चलो बीच में चिल कर लेंगे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे आसपास करने के लिए। भाई लोग वहाँ से फोर्ट से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया वहाँ पे पार्क में, और अभी मैं जा रहा हूँ सामने ये बीच क्रॉस करके, एक छोटा सा आइलैंड है छोटा सा, और जो जिप लाइन मैंने उस टाइम दिखाई थी ना $60 उसके चार्जेस है, अगर आपको जिप लाइन करनी है यहाँ पे तो आप कर सकते हो, और वो जिप लाइन करके उसी आइलैंड में रुकते हैं, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता है। देखते हैं आगे चल के कुछ व्यू वगैरह दिखे तो चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। वहाँ बीचेस अच्छे हैं यार, यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग है, बढ़िया बीचेस एक नंबर। चल रही मस्त एकदम चकने के साथ आइलैंड से, थोड़ा सा छोटा सा आइलैंड है ये, और ये बीच के जस्ट क्रॉस करके और माहौल सेट है एकदम, एंजॉय कर रहे हैं लोग जो है बियर बियर लेके। सही है, बड़ी सही जगह यार, बैठो सुकून से अपना मस्त एकदम, और नीचे थोड़ा सा जब ये ना जड़े बड़ी फैली हुई तरीके से देख के तो गिर भी सकते हो। सो गाइस यहाँ एक आध शाहरुख खान वाली पोज मार के फोटो वोटो क्लिक करवा के अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा कुछ खाने पीने की तलाश देखते हैं, उसके बाद फिर निकल जाएंगे अपना वो लाइट वाले शो के लिए। आई थिंक वीकेंड्स है इसलिए बीचेस आर फुल्ली एक्टिव, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वीकेंड्स में अच्छा खासा रश है यहाँ पे, आई थिंक शाम को भी पार्टीज वगैरह अच्छी होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।